हेलो गाइस, पर्व मनोराग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए जय देवमा सॉन्ग का रिएक्शन, जो कि अरुंधति मूवी का, अनुष्का शेट्टी और सोनू सूद की मूवी। और ये हमें रेकमेंड किया है साहित्य जी ने, जो है हमारे जो है चैनल मेंबर है। तो आप भी बन सकते हैं हमारे चैनल मेंबर, फटाफट वो जो ज्वाइन का बटन है उसको दबा के और ₹29 बन जाइए। बस सिर्फ थोड़े से ₹29 के अंदर बन सकते हैं हमारे मेंबर और हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हैं। और साथ में आप हमें जो रेकमेंड करेंगे वो आपको कुछ फटाफट के अंदर वो पूरा कर दिया जाएगा साहित्य जी की तरह। और इस सॉन्ग पे आते तो ये सॉन्ग को सुपर हिट मूवी अरुंधति मूवी से लिया गया है। तो इसमें बहुत सारे इसकी वर्जन हमें दिख रही, तमिल वर्जन भी है और बहुत सारी वर्जन है, तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। ऊपर से कैलाश खेर की गाना है तो मजा आएगा सुनने में, तो देखते हैं क्या होता है। और साथ में अरुंधति मूवी और साथ में जो बागमती मूवी, दोनों की दोनों एकदम थोड़ी सुपर नेचुरल मूवीज रही है। उसमें बहुत ज्यादा मतलब लोगों को पसंद बहुत आई है, मेरे को ये चीज दिखी है कि बहुत ज्यादा सुपर हिट गई है लोगों के अंदर। और लोग अभी तक हमें बोलते हैं काफी सारे उसका ये सीन है, सॉन्ग करो, तो वो बहुत पसंद है हमने बूबू बूजंगम और बहुत सारे सॉन्ग्स किए भी हुए हैं, तो शानदार है देखना। तो देखते हैं फिर आपके साथ। और इसके कंपोजर की बात करें तो लेजेंडरी कंपोजर कोटी जी है, और इसके अलावा इसको गाया भी लेजेंडरी सिंगर कैलाश खेर जी ने, जैसे तूने बताया, तो बस उनकी आवाज सुनने का मजा ही आ जाएगा। वही तो, आप भी देखो हम भी देखते हैं। बचपन का लग रहा है अनुष्का शेट्टी का, है सोनू सूद, सोनू सूद थे। हाँ तो सोनू सूद तो राक्षस बन जाता है। అందరూ అరుంధతమ్మని ఆస్థాన దేవత జేజమ్మలా చూసేవాళ్ళు, జేజమ్మనే పిలిచేవారు. వయసుతో పాటే అందరి అనుబంధాన్ని పెంచుకుని రాజకుమారి వగరా టైప్ లగ్ రహి హై. వావ్, వో ఉన్కో పెహలే సే ఏసా బతా రహి థి కి వే జేజమ్మ మతలబ్ యే హమారి వయస హై. వావ్ వావ్, जयजम्मा लाइक इनको वो रिस्पेक्ट से बोलते हैं, लाइक वो होता होता नहीं, लेकिन लाइक इनके अलावा देवसेना कोई कर ही नहीं सकता था। नहीं बिल्कुल नहीं, देख तुम अन्नपूर्ण सामने। वो क्या बात है, वो लगता महाराजा लग रहे हैं लाइक इनके फादर। क्या वट है यार, बोल रहा अदालत खुद की घर को इनकी पूजा कर रही है जिस तरीके से बाहर। कैलाश खेर की आवाज बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाया हुआ सॉन्ग था और छोटा सा सॉन्ग था, कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। लाइक वो 2 मिनट 40 सेकंड का कुछ सॉन्ग है और पता भी नहीं चला कब वो पास भी हो गया, और इतना वो खोए हुए थे किस तरीके से उनकी प्रजा उनको पूछती है। लाइक वही मैं कहता हूँ, देवसेना इनके अलावा कोई नहीं निभा सकता था। जो एक तो जितना इनका वो पूरा ऑरा रहा है ना हमेशा से ही पूरी तेलुगु सिनेमा के अंदर, तो उसके बाद वो डिजर्व करती थी वो बाहुबली का वो वाला सीन करना और देवसेना वाला, और उन्होंने पूरे अच्छी तरीके से निभाया भी था। और यहाँ पे उनका दिखा है किस तरीके से वो शूरवीर थी और किस तरीके से उनको तलवारबाजी आती थी, हर चीज़ आती थी, फिर वो एकदम काइंड भी थी, फिर वो हर लोगों के साथ अच्छे से रहती थी, फिर वो सब उनको बहुत प्यार करते थे। तो वो लाइक होते ना एक रानी थी जिसको हर कोई सब इतना पसंद करते थे और बहुत अच्छा सुशासन चलता था। फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा, और स्टार्टिंग में जो मेनली जो सोनू सूद के साथ हुआ वो चीज़ थोड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि वो क्या हुआ क्यों हुआ। और ऊपर से देखा जाए तो लाइक उसको मार दिया गया जब ये छोटी थी, और उसके बाद लाइक वो पानी के अंदर से निकल के फिर डायरेक्ट बड़ी हो जाती है। और लाइक इनको देख के मेरे को महानटी मूवी की भी याद आती है कहीं ना कहीं, कि जैसे लाइक सावित्री जी थी उनको भी उस तरीके से दिखाया गया कि वो लाइक अपनी सुपरस्टार थी,
तो उनका एक लाइफ हो गई, फिर अपने हस्बैंड के लिए वो कितनी काइंड थी, उनको कितना प्यार करती थी, तो वो दूसरी लाइफ हो गई। एक माँ बहुत अच्छी थी, वो तीसरी लाइफ हो गई। चौथी वो जो अपने आसपास के लोग थे उनको कितना ध्यान रखती थी, तो लाइक उनको देख के लाइक वो सावित्री जी की मेरे को याद आ गई। और ऊपर से देखा जाए तो है ना, इसके अंदर भी इनके अलग अलग ही रूप दिखाएंगे कि जैसे एक इनको दिखाएगा कि वो पेंटिंग कर रही थी, शायद वो मुझे लग रहा है महाराजा होंगे, इनके फादर लग रहे हैं मुझे। और ऊपर से इनकी जैसे ये भी एकदम वो लड़ाई करने में, जैसे उन्हें बताया कि एकदम शस्त्र विद्या में निपुण हुई, उसके अलावा फिर जैसे लोग लाइक लोगों को खुद खाना खिला रही है और लोग इनके पैर छू रहे हैं, और एक लाइक वो बर्तन साफ करने वाले की बेटे को अपनी गोद में बिठाएगी, लाइक रानी इतनी बड़ी है अपनी लाइक, उससे ये दिखाया जा रहा है, लाइक पता लग रहा है कि है ना मूवी में कितनी काइंड रही होगी ये। तो बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग था। और ऊपर से वो जो पानी के अंदर से बाहर आने वाला ट्रांजिशन हमने ऐसे बहुत सारी मूवीज में देखा हुआ है, लाइक मेनली होता है कि पूरा नहीं दिखाया जाता कि भाई क्या की बड़ी कितना बड़ी, हमेशा ये होता है कि छोटे सीधा बड़ा कर दिया जाता है। तो जैसे ये मूवी में हुआ, फिर हमने क्रिश मूवी में देखा कि भागते भागते वो बड़े लड़े हो जाते हैं, फिर हमने नहीं तो कबीर सिंह में अभी जैसे हाल फिलहाल देखा था कि वो मूड होते हैं तो उसके बाद मतलब वो बड़े तो नहीं हो जाते पर उनके वो बियर्ड, हाँ बियर्ड आ जाती है, और वो लाइक अपनी जैसे जो वो यंग एज थी उससे क्रॉस होकर वो एकदम थोड़ी अपनी ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसे दिखाना होता है तो वो ऐसे ट्रांजिशन बहुत यूज किए जाते हैं, तो वो बहुत सही लग रहा था। और साथ में पूरा जो पूरा सॉन्ग बनाया गया था बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया कैलाश के, बहुत अच्छा, और साथ में बनाया बहुत अच्छा बिल्कुल। ऊपर से है ना जब लाइक ऐसा वो लास्ट सीन आया था जिसके अंदर है ना अनुष्का शेट्टी मंदिर के अंदर एंटर होती है, और उसी टाइम पर कैलाश खेर की आवाज का एकदम हाई पिच जाता है कि जय जम्मा, तो वो लाइक इतना जबरदस्त सीन था ना कि जैसे पीछे एकदम बादल ही बादल दिख रहे हैं, अनुष्का शेट्टी धीरे धीरे अंदर आए, एकदम स्लो मोशन वो चीज को दिखाया जा रहा है, और उसके ऊपर से जैसे कैलाश खेर की वो हाई पिच वाली आवाज, तो बहुत ही जबरदस्त लग गया। वही मेन वही चीज है, इसके बाद से कहां से सोनू सूद वापस आते हैं और वो राक्षस बन जाते हैं, वो क्या हो जाता है, तो वो चीज देखने लायक रहेगी। बाकी आप लोगों का सॉन्ग कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।